नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 25 डिजीज ऐसी होती है जिसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों इचिनेसिया एगस्टिफोलिया। इसका फुल नेम है, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसी अच्छी तरह से देख लीजिए। यह इचिनेसिया जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इस मेडिसिन का यूज आपको किस तरह से करना है, किन किन बीमारियों में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, हमारे शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे तो इस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए, और भी साथ में किस मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है और क्या ऐसी बीमारी हमें देखने को मिलेगी, तो साथ में हम इचिनेसिया मेडिसिन के साथ और भी मेडिसिन मिलाकर यूज कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीज से आप परेशान हैं, उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स होती है मैं उसका सॉल्यूशन करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इचिनेसिया जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक है। सभी प्रकार के इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपको बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसी आपके पक जाते हैं, तो उसको सुखाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, यह हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार फुंसियां, फोड़े फुंसी हो जाना, फीवर हो जाना, ज्वाइंटिस हो जाना, टाइफाइड होना, सभी प्रकार की बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं आपको डिसीज के बारे में जानकारी देते चलता हूं, क्या क्या बीमारी आपको शरीर में, क्या क्या लक्षण और क्या क्या बीमारी आपको देखने को मिलेगी तो आपको इस मेडिसिन का यूज करना है, और भी साथ में आप किस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर हो गया, अजाडरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर हो गया, ठीक है, यूफ्रेशिया का मदर टिंचर हो गया, काफी ऐसी मदर टिंचरों का भी साथ में मिलाकर हम यूज कर सकते हैं डिसीज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों फीवर। यदि आपको बार बार फीवर हो जाता है, टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। टाइफाइड को ठीक करने के लिए और फीवर को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। इचिनेसिया का मदर टिंचर 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में यूज करना है। यदि आपको ठंड लग के बुखार आया है तो चाइना का मदर टिंचर साथ में मिलाकर आप यूज कर सकते हैं, आपकी जो फीवर की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, यदि दूसरे नंबर पे आता है, यदि आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है शरीर में और बार बार पक्के भाव फूटती है, यदि आप उसे सुखाना चाहते हैं तो मदर टिंचर फॉर्म में इचिनेसिया का आपको यूज करना है। साथ ही साथ अजाडरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं, 1 कप पानी में, दोनों की 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, फोड़े फुंसी की जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको बच्चे को बार बार कफ, कोल्ड एंड फ्लू की प्रॉब्लम होते रहती है, सर्दी जुकाम से वहां परेशान होते हैं, वहां आप जब भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एंटीबायोटिक उन्हें दी जाती है, बार बार देने के कारण उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो आप होम्योपैथिक में यह एंटीबायोटिक आप उन्हें दे सकते हैं। इचिनेसिया का मदर टिंचर आपको लेके आना है और साथ ही साथ अजाडरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर लेके आ जाइएगा। दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिएगा और 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में अपने बच्चे को दे दीजिएगा। 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उन्हें दे दीजिएगा। उनकी जो प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी जुकाम कोल्ड फ्लू की जो उनकी प्रॉब्लम्स है, बार बार जो उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बार बार कफ, कोल्ड एंड फ्लू की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ज्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो एकोनाइट सिंगल 1 mg पोटेंसी का डोज दे दीजिएगा, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यदि कहीं भी आपको गैंग्रीन की प्रॉब्लम है या फोड़े फुंसी हो गए हैं, साथ में वहां पे गैंग्रीन हो गया है, वहां पे सड़न गलन की प्रॉब्लम हो गई है, काफी ट्रीटमेंट करवा लिया है आपने और वहां ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इचिनेसिया और अजाडरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में यूज करें। गैंग्रीन की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इतनी इफेक्टिव है यह मेडिसिन। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निमोनिया की केस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन बच्चों को बार बार निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, हल्का सा मौसम चेंजेस होता है, निमोनिया उन्हें हो जाता है,
तो इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। साथ ही साथ उसमें कैलेंडुला मेडिसिन मिला के आप यूज कर सकते हैं। एक कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में, दोनों मेडिसिन को आपको मिलाना है। फिर आपको 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में यूज करना है। जो बच्चे की निमोनिया की जो बार बार रिपीटेशन की जो उनको प्रॉब्लम होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बार बार निमोनिया हो जाता है, कफ कोल्ड एंड फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार उन्हें फीवर आ जाता है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप बनेक्स टेबलेट्स लेके आ जाइए। बनेक्स की टेबलेट्स आती है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, कम से कम एक महीने तक दे दीजिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, बार बार रिपीटेशन देखने को नहीं मिलेगा। यह इतनी इफेक्टिव है यह एंटीबायोटिक मेडिसिन। मैं लास्ट में और भी बताते चलूंगा फिस्टुला के केस में, फिसर के केस में किस तरह से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं और भी क्या मेडिसिन मिला के आप यूज करें ताकि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे। नेक्स्ट आता है पाइल्स के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है और फिसर के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जब एनल कैनाल जो है क्रैक हो जाती है और तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इचिनीसिया मदर टिंचर फॉर्म में यूज करें, एक कप पानी में, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज आपको 3 मंथ तक करना होगा एनल फिसर की प्रॉब्लम्स के लिए। और फिस्टुला की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए 4 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करना है मदर टिंचर फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया है। यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मुंह से आपके मसूड़ों से सूजन आती है, मसूड़े से यदि ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में पीना चालू कर दें और इसके गार्गिल करें तो ताकि पूरी तरह से स्मेल भी बंद हो जाए और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। यदि आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस मेडिसिन को एक कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में पिए। अजरकटा इंडिका का मदर टिंचर साथ में लेके आ जाएं, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में मिला के पिए और इसका गार्गिल भी करें तो जो इन्फेक्शन है वह जल्दी से ठीक हो जाएगा और बार बार जो टॉन्सिलाइटिस की आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इतनी इफेक्टिव है यह मेडिसिन। यदि आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, पेट में आपके अल्सर हो गए हैं, तो इसे एक कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में यूज करें। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर लेके आ जाइए, 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, दोनों को साथ में मिला के यूज करिए। पेप्टिक अल्सर में काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और 3 महीने तक इस मेडिसिन का आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो पेप्टिक अल्सर की आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको कहीं भी चोट और घाव लग जाता है, वहां से ब्लड निकल आता है, तो उसको ठीक करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में, एक्यूट कंडीशन में आप इस मेडिसिन को दें तो पेशेंट की जो घाव है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस मेडिसिन का यूज इंटरनल और ओरल भी किया जाता है। जहां भी घाव लगा है इसकी 4 से 5 बूंद डेली आप वहीं पे डाल दीजिए। जहां इन्फेक्शन है वहां पे, जहां पे घाव लगा है वहां पे 4 बूंद सीधे डाल दीजिए। वहां का जो घाव है धीरे धीरे करके सूख जाएगा और साथ ही साथ कैलेंडुला मिला के जरूर यूज करिएगा ताकि घाव भी ठीक हो जाए और पेशेंट्स को जो है इन्फेक्शन जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। पीना भी है और लगाना भी है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्ने के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स मुहासे से काफी लंबे समय से वहां परेशान रहते हैं, तो इचिनीसिया का मदर टिंचर, बर्बेरी सेक्वाफोलियम का मदर टिंचर और कैलेंडुला का मदर टिंचर तीनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। एक कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में पीजिए ताकि एक्ने पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप जो जैसे दबाते हैं, दबाने से हल्का सा पीप निकलता है वह भी ठीक हो जाएगा और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इसको आप लगा भी सकते हैं अपने पिंपल्स में, डेली रात में अप्लाई कर लीजिए और वहां लगाएंगे तो वो जो पिंपल्स में पीप निकल रही है वहां भी ठीक हो जाएगी और पिंपल्स के जो दाग होते हैं बाहर दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इतनी इफेक्टिव जो मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को बार बार ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ खांसी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके साथ आपको मिलानी है अजा डायरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर और कैलेंडुला का मदर टिंचर और इचिनीसिया, तीनों को बराबर मात्रा में मिला के एक कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम पीना इसे स्टार्ट करें। यदि कफ ज्यादा छाती में जम गया है, बलगम निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्टिसिया का मदर टिंचर भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं।
साथ में ऐड करें, इसे बराबर मात्रा में मिला के गुनगुने पानी से पिए तो ब्रोंकाइटिस की जो बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव जल देखने को मिले हैं। ब्रोंकाइटिस से काफी समय से बहुत से लोग परेशान हैं, बार बार कमेंट में पूछा करते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करें, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिन पेशेंटों को भी गोनोरिया हो जाता है, गोनोरिया से काफी लंबे समय से परेशान है, थूजा यूज कर लेते हैं, मेडोरानम यूज कर लेते हैं, मक्सवॉल यूज कर लेते हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो साथ में यह कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करें। चिनीसिया का मदर टिंचर और कैलेंडुला का मदर टिंचर दोनों को बराबर मात्रा में मिला ले, 10-10 बूंद दोनों की मिला लीजिए और पीजिए कम से कम 2 महीने तक, प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इतनी इफेक्टिव है यह मेडिसिन, जिसकी इतनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है। नेक्स्ट आता है टीबी के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी टीबी हो जाती है, लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में, कम से कम इस मेडिसिन का यूज आपको 6 महीने तक करना है। यदि प्रॉब्लम्स ज्यादा है तो 4 से 5 बार भी इस मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है आंखों के, इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी आंख आ जाती है, आंख से पीप निकलने लगती है, आंखों में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूफ्रेसिया मदर टिंचर के साथ इचिनीसिया मदर टिंचर मिलाइए, 1 कप पानी में दोनों की 10-10 बूंद गुनगुने पानी से सुबह दोपहर शाम दीजिए, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतना अच्छा काम करती है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं आपको वीडियो के साथ में जो मेडिसिन मिक्स करनी है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं, ताकि आप किसी भी तरह के कोई भी कंफ्यूजन में ना पड़े और आपकी जो भी प्रॉब्लम से वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, हो सके। सिंगल मेडिसिन और जब डबल मेडिसिन हम साथ मिलाकर यूज करते हैं लक्षण के अनुसार, तो प्रॉब्लम्स को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हम मेडिसिन में उलझ जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और यह वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कर दे, ताकि सभी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें और बिना साइड इफेक्ट्स के अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। यदि यह वीडियो आप शेयर करते हैं तो किसी का भी भला हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट लक्षण आता है विजाइनल इन्फेक्शन में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को विजाइनल में फुंसियां वगैरह होती रहती है, वहां पे जलन होती है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो इचिनीसिया का मदर टिंचर लेके आ जाइए, अजा डायरेक्टर इंडिका का मदर टिंचर लेके आ जाइए और कैलेंडुला का मदर टिंचर लेके आ जाइए, बराबर मात्रा में मिला लीजिए, 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में, कंटिन्यू 3 मंथ तक पीजिए और इससे आप अपनी विजाइना भी वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो काफी लंबे से हमें से आप परेशान हैं, तो वह प्रॉब्लम्स ओनली फॉर 1 मंथ में ठीक हो जाएगी। यदि कंटिन्यू 3 मंथ तक इस मेडिसिन का आप यूज करते हैं तो यह प्रॉब्लम्स आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है एक्जिमा के केस में, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, चाहे वह वेट एक्जिमा हो चाहे वह ड्राई एक्जिमा हो, उसमें से पीप निकलती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, खुजाते खुजाते पेशेंट को खून निकल आता है, तो इचिनीसिया का मदर टिंचर और कैलेंडुला का मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में 6 महीने तक यूज करें, जो एक्जिमा की प्रॉब्लम से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सोराइसिस के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ईटिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि यहाँ लॉन्ग टर्म डिसीज से काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना होगा और कई पेशेंटों की प्रॉब्लम सोराइसिस से बाहर परेशान रहते हैं, ठीक नहीं होती है, तो 1 कप पानी में कैलेंडुला का मदर टिंचर, अजा डायरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर और इचिनीसिया का मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में, 6 महीने तक पीजिए, आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम से ठीक हो जाएगी, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम से बाहर दोबारा रिपीट नहीं होगी, बहुत ही अच्छा काम करती है सोराइसिस के केस में। नेक्स्ट और लास्ट लक्षण आता है दोस्तों, यदि आप ब्लड प्यूरीफाई करना चाहते हैं, ब्लड में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार फुंसिया हो जाती है, अर्टिकीरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो पूरी तरह से आपको ऐसा लगता है कि यह प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी स्किन डिजीज से रिलेटेड, तो आप एक काम करिए, इचिनीसिया का मदर टिंचर, कैलेंडुला का मदर टिंचर और अजा डायरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में, 3 महीने तक पीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। जिन पेशेंटों को भी अर्टिकीरिया की प्रॉब्लम्स है, वह अर्टिकोरेंस मदर टिंचर मिला के इचिनीसिया की यूज कर सकते हैं, अर्टिकीरिया की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको जितने भी लक्षण बताए हैं और जितनी भी मेडिसिन बताई है, मैंने पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। यदि
जैसे मैंने आपको एक ही मेडिसिन इचिनीसिया मेडिसिन के बारे में इकिनीशिया मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देता तो वह अधूरी हो जाती। जैसे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स है तो अर्टिकेरियंस मिला लीजिए, यदि पाइल्स की फिसर की आपको प्रॉब्लम्स है तो साथ में कैलेंडुला मिला लीजिए, जो घाव को हील करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि यह फार्मूला और यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। यदि आप किसी भी बीमारी से काफी लंबे समय से परेशान हैं, उससे रिलेटेड यदि आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।